ये बच्ची जो है ये फैसलाबाद की आयशा बीबी इसका नाम है, कलंदर शहबाज की मज़ार पर ये ज़्यारत के लिए गए हुए थे, तो वहाँ से जो है ये बिछड़ कर जो है कोट मिठन के काफ़िले में शामिल हो गई थी। कोट मिठन के काफ़िले ने यहाँ पर उन्हें अमन अमान बिठाया और उसके बाद पुलिस को इतला की गई और पुलिस के जो है SHO साहब हाफिज़ शफीकुररहमान साहब ने जो है अपना नंबर भी और सोशल मीडिया पर इसको वायरल किया गया। चंद घंटों में यानी 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उस बच्ची के जो वारिस थे वो फैसलाबाद से उन्होंने रابطہ किया, SHO साहब से भी रابطہ किया और हमारी मीडिया टीम से भी उन्होंने रابطہ किया। तो रात इस बच्ची को जो है उसके वालदैन के साथ जो है वीडियो कॉल पर रابطہ करा कर तस्दीक भी की गई थी। आज सुबह ये जो सेवन शरीफ पर जो इसकी फैमिली वहाँ रह गई थी और वहाँ पर जो है वो तलाश कर रहे थे, उस तलाश में जो है उनसे जब रابطہ हुआ तो आज सुबह जो है यहाँ कोट मिठन में ये पहुँच गए हैं। अच्छा, ये आपकी बहन है? जी, छोटी बहन है। तो ये जो बिछड़ गई थी अब आपको मिल गई है, तो इससे खुशी है आपको? लख लख शुक्र है अल्लाह पाक का, इस डिपार्टमेंट का। जी जी, उसका भी शुक्र गुजार है जनाब। जी जी। अच्छा बेटा, आप बताएं आयशा बीबी, आपके वालदैन आपके बहन भाई आपको मिल गए हैं, तो आप खुशी है आपको? हाँ, हमको बहुत खुशी है, हमारे वारिस हमारे भाई मिल गए हैं हमको। अच्छा, जहाँ पे आपको पनाह दी गई थी वहाँ पर आपकी सही तरीके से देखभाल हुई है? हाँ, बच्चों की तरह रखा आपको? हाँ, हमने अपने अपनी बहनों पे अपनी भाइयों के साथ हमको बिठाया, अपनी बहनों के अपनी भाइयों के साथ बिठाया, भाभीयों के साथ बिठाया, बच्ची के साथ। अच्छा। जी, आयशा बीबी जो है ना देखें खुश दिखाई दे रही है और आज वो खुशी का इजहार कर रही है क्योंकि वो जो है आज अपने हकीकी बहन भाइयों को वो मिल गई है। कोट मिठन वालों का वो शुक्रिया अदा भी कर रही है, पुलिस डिपार्टमेंट का शुक्रिया अदा कर रही है और जो जिन लोगों ने इन्हें पनाह दी थी वो अपने ख्वातीन के साथ यहाँ आए हुए हैं और अमन अमान उनको यहाँ पर पहुँचा दिया, उनको अपने अपनों से मिला दिया है, बिछड़े हुओं को मिला दिया है, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। आज ऐशा अपने घर को जा रही है। जी।